अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था, लेकिन बहुत एक ऐसा स्पेशल मोमेंट आ गया था, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ शूट करी जाए। असल में मैंने एक कस्टमर के लिए एक टेबल डेकोरेट किया था यहाँ पर। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, उनके फैमिली वालों ने डिसाइड किया था कि कुछ अच्छी सी पार्टी अरेंज करते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि मैंने किस तरह से उसको डेकोरेट किया। तो ये भाई कुछ सीन है हमारे कैफे का, कि ये पूरा एरिया हमारा कैफे का एंट्री गेट, और ये एरिया है सबसे स्पेशल। मोस्ट ऑफ द कस्टमर यहाँ पर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं के, और बहुत जल्द इस एरिया में प्लानिंग चल रही है शीशा ऐड कर। ये कुछ है हमारा फैमिली सेक्शन, यहाँ क्लीनिंग चल रही है। ये है सेकेंड रूम, थर्ड रूम, और ये लास्ट में जो फोर्थ रूम है यहाँ पर हम लोग ने दिया हुआ है दो लोगों की सेटिंग। ये हमारा सर्विस स्टेशन, चलिए वापस चलते हैं अपने कैफे के साइड, जिस तरफ हमारा मेन एंट्री है। ये हमारे एक वेटर भाई साहब सावधान पोजीशन में खड़े हुए हैं। ये कस्टमर का एंट्री है यहाँ से, नीचे का एरिया है, यहाँ से कस्टमर का एंट्री होता है। ये है हमारा कैफे का कुछ सेक्शन, ये है हमारी वीआईपी सिटिंग, यहाँ पर 6 लोगों के बैठने का सेटिंग है पूरा, और ये है 4 लोगों की सेटिंग। ऐसा कुछ है फ्रंट का सीन। तो ये जो अभी आपने देखा, ये था हमारा छोटी सी मेहनत, और हो सकता हो कस्टमर को पसंद आए, उम्मीद तो कर रहा हूँ, बहुत मेहनत की लड़कों ने भी और मुझने भी। तो अभी चलिए चलते हैं, आपको कैफ़े का टूर कराते हैं और पूरे रेस्टोरेंट में दिखाते हैं कि हम लोग किस तरह से अपना डे स्पेंड करते हैं और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन। तो आज का डेली रूटीन रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैंने कामचोर को पकड़ा है जो कि फ़ोन चला रहा है। अब तेरी सैलरी कटेगी, कितने दिन सैलरी कटेगी बताओ, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। घर में बात कर रहे हो अभी, अंदर की साइड ये हमारा मकसला, मकसला मतलब बोलते हैं जहाँ पर हम लोग हैंड वॉश करते हैं। तो ये आ गए हम अंदर, एक्सप्रेसो मशीन, साथ में कुछ दूध। ये है हमारा सिरप का खजाना, और हमने कुछ सिरप ऊपर अपना डेकोरेट कर रखा है इस तरह से, हमारा फूड पीस। और ये है मोका पॉट। तो हमारे जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये ज़रूर देख के बताएं कि मोका पॉट कौन कौन जानता है कौन कौन नहीं जानता है। हमारा एक वीडियो में हमारे भाई ने कमेंट किया था कि आदि भाई मिल्क स्टीमिंग का पूरा प्रोसेस बताइएगा। तो अपने ब्लॉग में जैसे कि मैं हर बार कोई नई कॉफ़ी ऐड करता हूँ,
आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिल्क स्टीमिंग कैसे करते हैं परफेक्टली, और मिल्क स्टीमिंग के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि लादे में आर्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सकल है, सकल का छुपा रहे बंद ले लो। तो ये है हमारा सुडानी भाई, और तो अभी ये हम बोल लेते बंद करो, हटाओ, बंद करो, हटाओ, तो इसने मेरी बात को पकड़ लिया और वही रिपीट करे पड़ा। हाँ कल्लिम, आगे कल्लिम तानी। राकिब रुक जाओ, इधर आ बे, इधर आ। हाँ गुल 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 इधर आ। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मिल्क स्टीमिंग। तो मिल्क स्टीमिंग का सबसे बेसिक जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले मैं मिल्क स्टीम अभी करने जा रहा हूँ कैफे लाते। तो कैफे लाते के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि मिल्क आपको कम नहीं देना है। अगर आपका कप 300 ml का है तो आपको मिनिमम 250 ml मिल्क लेना ही देना है, ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हम मिल्क को यहाँ तक डिप करते हैं, मैं आपको इसमें लाइन में बता दूँ, मिल्क को यहाँ तक डिप करते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा मैं ये, ठीक है, अब इसको मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो बेसिक क्या होता है, अब हमें बाहर थोड़ा निकालना है, ये जो वॉइस आ रही ना, ये इसको टोटल 3 बार करना है, यानी कि 3 से 5 सेकेंड के लिए। मिल्क देखिएगा आप गोल गोल घूम रहा है, बस यही एक परफेक्ट स्टीमिंग होती है मिल्क की। जब आवाज कम हो जाए तो आप इसको बंद करो, ठीक है। 2-3 बार टैप करिए और ये आपका मिल्क आ गया परफेक्ट। परफेक्ट है या नहीं है वो लाते आर्ट से पता लगेगा, इसीलिए मैंने अभी मैं इसमें लाते आर्ट बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इतना अच्छा आया नहीं, लेकिन हाँ हमारा जो मिल्क है वो परफेक्ट स्टीम हुआ था। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि मिल्क हमारा हम लोग परफेक्ट स्टीम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूंगा इस कप को, ताकि ये कप ट्रांसपेरेंट है, जिससे हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग मिल्क को स्टीम कैसे करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा पिस्टन होता है, तो हम लोग को इतना डिप करना होता है, ठीक है। जितना डिप करके हम अपने पिस्टन को ऑन कर लेते हैं, इसके बाद जो हमारा मिल्क है वो स्टीम परफेक्ट कैसे होगा, उसको गोल गोल राउंड 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 घूमना है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है एरिएट। तो एरिएट का मतलब होता है जब आप मिल्क को, जैसे कि मैंने इसमें डिप किया है, और थोड़ा सा जब मैं इसको बाहर करूंगा पिस्टन को, पूरा नहीं थोड़ा सा, तो इसमें एक आवाज़ आती है जैसे कि पेपर फटता है, उस तरह की आवाज़ आती है। तो वो 3 से 5 सेकंड के लिए करनी होती है। जब हम उसको 3 से 5 सेकंड के लिए करेंगे तभी हम अपना एक परफेक्ट मिल्क स्टीमिंग कर पाएंगे। तो मैंने वैसे ही सेम उस चीज़ को फॉलो किया था, और जब हमारा मिल्क टोटल अगर आप मानो 13-18 सेकेंड तक की हम अपने मिल्क को स्टीम करते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपकी मशीन पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर एक चीज़ और आपकी लाते आर्ट खराब हो जाए, इस तरह की लाते आर्ट को बोलते हैं रोजेटा, तो आप उसको कैसे कवर कर सकते हो। करना ये कि साइड से ही इस तरह से करके ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने कर लिया। अब मुझे यहां से मैं स्टार्ट करूंगा सीधा फिनिश। तो ये चारों साइड देखो ये क्या हरकत कर रहे हैं। जब बनाना चाहते हैं डिजाइन अच्छी, तब नहीं बनती है, जब वीडियो में नहीं बनती, और वीडियो जब ना बनाओ तब डिजाइन इतनी अच्छी बन जाती है। तो इन लोग कर रहे थे लड़ाई, अब लड़ाई ना करना, ये लो कॉफी, भागो यहाँ से बहुत तेज। राकिब कहाँ है, उसको नहीं देंगे कॉफी। पिए नहीं, वीडियो बनाना चालू। सेम सेम
5 मिनट वीडियो बनाएंगे और कॉफी पियेंगे, फिर कहेंगे ठंडी है। फिर से बोलो। ओके तो बस भाई यही था आज का वीडियो, क्योंकि अभी कस्टमर आना स्टार्ट हो गए हैं तो वीडियो बनाने में हो सकती है प्रॉब्लम। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।